Assalamualaikum everyone. आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन की रेसिपी. ये देखें, मैं ऑयल शामिल कर चुकी हूँ. अब मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल करूँगी. अब हम इसमें लहसुन अदरक शामिल कर रहे हैं, जो कि मैंने रफली चॉप किया हुआ है. ये देखें, हमारा लहसुन अदरक जितना हमने फ्राई करना था हो गया. अब हम इसमें अनियन शामिल कर रहे हैं, जो कि हमने बड़े बड़े पीस में काटे हैं. अब हम इसमें कैप्सिकम शामिल कर देंगे, ये बड़ी बड़ी 4 से 5 मिर्चें. ये देखिए, हमें बस इसको थोड़ा फ्राई करना है. अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे. आप इसको क्यूब की शेप में भी शामिल कर सकते हैं. मैंने ना नॉर्मल सा श्रेड करके शामिल किया है, ज़्यादा बड़ी श्रेडिंग नहीं की. अब हम इसमें काली मिर्च शामिल कर रहे हैं. ये देखें, कलर के लिए हम इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे. हम रेड चिली सॉस शामिल कर रहे हैं. ये देखिए, माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है. सब चीज़ें लाइट लाइट फ्राई हो चुकी हैं. अब हम इसमें सिरका शामिल करेंगे, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच के लिए. प्लेन वाइट विनीगर. सोया सॉस शामिल करेंगे, 1/2 कप के करीब. हम अब इसमें केचप शामिल कर रहे हैं, टमाटो केचप. अब हमने इसमें फ्रेश टमाटर की प्यूरी बना के शामिल किया. हम इसमें नमक शामिल करेंगे. ये हमने टमाटर की प्यूरी शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया था, और ये हमने नमक शामिल कर लिया. और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर, हम कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हैं, जो हमने मिक्सिंग करके शामिल किया था. ये देखें, कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद हम थोड़ी देर इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि ये ना अच्छी तरह से पक जाए कॉर्नफ्लोर इसके अंदर. एट द लास्ट पॉइंट हम इधर शुगर शामिल करेंगे इसमें. ये देखिए, ये देखिए, हमारा मंचूरियन बन के तैयार है. और ये मैंने साथ राइस बनाए थे, फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस. माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना. आपके साथ नेक्स्ट में मैं रेसिपी शेयर करूँगी राइस की भी. टिल देन, अल्लाह हाफिज़. Thank you.